नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस पर कुछ विशेष उपाय के बारे में। जी हां, धनतेरस पर आपको करने हैं कुछ विशेष उपाय, जिनको करने से आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा फायदा और साल भर होती रहेगी धन वर्षा। जी हां, धन बरसेगा और आप अगर इन उपायों को करेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा जरूर मिलेगा। तो धनतेरस पर आपको क्या ऐसे अचूक काम करने हैं जिससे कि आपको ज्यादा फायदा मिले। देखिए, धनतेरस पर पूजा कैसे करनी है इसका वीडियो मैंने आज ही सुबह डाला था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। धनतेरस के दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन झाड़ू अगर आप खरीदते हैं तो उससे काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी हाँ, झाड़ू आप खरीद सकते हैं, तांबे के बर्तन, आप चांदी के बर्तन, पीतल आप खरीद सकते हैं। और मैंने राशि के अनुसार ये भी बताया है कि क्या आपको खरीदना चाहिए, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो आई बटन पे क्लिक करिएगा और उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा कि धनतेरस के दिन आपको क्या यहाँ पर खरीदना चाहिए। अब आइए बात करते हैं। देखिए, धनतेरस का जो टाइम रहेगा, जो त्योहार रहेगा, वो 13 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा और इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व है, इस दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व है। कुबेर की पूजा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा, धन्वंतरी की पूजा और यम पूजा का अपना विशेष यहाँ पर महत्व है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या ऐसे चीजें करनी है, क्या ऐसे उपाय आपको करने हैं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिले। देखिए, धन की कमी दूर करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके घर पर गोमती चक्र है, अगर आपके घर पर गोमती चक्र है तो 5 गोमती चक्र पर चंदन लगाकर लक्ष्मी जी की पूजा करने से या लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। जी हाँ, धनतेरस पर गोमती चक्र को पूजा करने का विशेष महत्व यहाँ पर बताया गया है। अगर किसी के पास गोमती चक्र नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दूसरे उपाय उनके लिए यहाँ पर है जिससे कि उन्हें फायदा मिलेगा। धनतेरस के दिन आपको क्या करना है, देखिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी है और कुबेर पूजन को करना कि कुबेर जी की पूजा करनी है। कुबेर पूजन और यम पूजन प्रदोष काल में शाम के समय किया जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, पूजा के बाद जो आपने चावल रखे होंगे पूजा में, उन पीले चावल, ध्यान रखना पीले चावल को लेना है, एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, उस कपड़े में लपेट कर अपने घर की तिजोरी में रख देना है। जी हाँ, जहाँ पर आप धन रखते हैं, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, वहाँ पर आपको वो रख देना है। आपके जीवन में साल भर अच्छी आमदनी होती रहेगी, पैसा बरसता रहेगा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बनता रहेगा। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है, बहुत आसान उपाय है। 21 आपको दाने लेने हैं चावल के, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मात्र 21 दाने आपको लेने हैं। 21 दाने चावल के लाल कपड़े में लपेट कर आपको रखने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए धनतेरस से लेके भाई दूज तक 11 कोड़ियां आती है मार्केट में, मिल जाएगी आपको बहुत आराम से। 11 कोड़ियों को लेके एक लाल कपड़े में लपेटना है और श्री सूक्त का पाठ डेली करना है। धनतेरस से लेके और कब तक, भाई दूज तक, श्री सूक्त आपको YouTube पे मिल जाएगा, आपको Google पे मिल जाएगा आराम से। श्री सूक्त का पाठ आपको करना है डेली, इससे भी धन से संबंधित सारी की सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये भी उपाय आपको जरूर करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन शाम के समय 13 दीपक जलाने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, धनतेरस के दिन शाम के समय आपको 13 दीपक जलाने हैं, 13 दीपक जलाने हैं और 13 कोड़ियां लेके घर के एक एक कोने में आपको रखनी है रात के समय में, मतलब कि शाम के बाद। ये भी काफी ज्यादा फायदा देता है। जी हाँ, इससे भी आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, काफी बार लोगों की शिकायत रहती है कि मेरे पास पैसा नहीं टिकता, मेरे हाथ में पैसा नहीं आता। ये उपाय खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं टिकता या जिनको पैसे की बहुत ज्यादा कमी दिखती है। धनतेरस से लेके दिवाली के दिन तक माँ लक्ष्मी को लौंग का एक जोड़ा डेली जरूर चढ़ाइए। जी हाँ, धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली, मतलब कि 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को 3 दिन तक आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी को लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, लौंग का जोड़ा चढ़ाइएगा और लौंग से पूजा करिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।
और इसके अलावा अंतिम उपाय आपको क्या करना है। देखिए अंतिम उपाय क्या करना है आपको कि पैसों के लिए, मान सम्मान के लिए आपको क्या करना है। आपको ऐसा कोई पेड़ अगर आपके पास हो, ये थोड़ा विचित्र सा उपाय है, बहुत कम लोगों को करने को मिल पाएगा ये, बट फिर भी अगर किसी के पास अवेलेबल हो तो ये उपाय जरूर करिएगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेड़ हो जहां पर चमगादड़ बैठते हो, जी हाँ ऐसा पेड़ जहां पर चमगादड़ बैठते हो, तो उस पेड़ की टहनी को तोड़ के अपने घर पे लेके आइएगा और अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख दीजिएगा, या फिर किसी भी कमरे में, जो कि ऐसा कमरा हो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कमरा है घर का, उसमें रख दीजिएगा। आपके जीवन में और आपके घर में खुशियां बरसेंगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहेगा। जी तो ये वो उपाय थे जिन्हें करने से आप सभी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और माँ धन्वंतरी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां यहां पर आएगी। देखिए इसके अलावा अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम है, कुछ भी और समस्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस बार आप सभी के जीवन में खुशियां आए और धनतेरस और दिवाली का ये जो त्यौहार है ये आप सभी के जीवन में बहुत अच्छा जाए। अगर मेरे पास कोई और अपडेट होगा या फिर कोई एक आधा उपाय अगर छूट जाता है और मुझे बाद में याद आता है तो मैं उस उपाय को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिएगा और ज्योतिष एंड वास्तु लिखिएगा, आपको मेरा फोटो वहां पर दिख जाएगा और ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम है, ज्योतिष एंड वास्तु का ऑफिशियल टेलीग्राम है। आप इसे इससे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है तो मैं हमेशा आप सभी के लिए तैयार हूं। इसके अलावा अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन माध्यम से पूजा में आपके साथ सहयोग करूं और पूजा में आपके साथ उपस्थित रहूं, मैं आपको पूजा करवाने में मदद करूं, तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बोल सकते हैं, सो दैट कि मैं अकॉर्डिंग टू मेरा शेड्यूल आपकी पूजा में आपको मदद कर सकता हूं। हालांकि ये मैं चार्जिंग लूंगा, इसका चार्जेबल रहेगा ये, बट फिर भी मैं आपके लिए इतना करने का प्रयास अपने एंड से ज़रूर करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सहयोग करूं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करना है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या अपने बारे में किसी भी तरह से कोई समस्या है और समस्या से छुटकारा चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म करूं और आपकी कुंडली के माध्यम से आपकी मदद करने का प्रयास करूं। धन्यवाद।